सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो नेतृत्व है उसके वजह से ये प्रभाव आया G20 के बाकी मेंबर्स पर कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन को फॉरवर्ड लुकिंग एक होपफुल आशा का एक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो साहब इस वक्त यहाँ मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आसियान देशों में पहुंचे थे और वहां पर इंडोनेशिया क्योंकि आसियान का चेयर था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ उसके बाद में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी समय निकाल के पहुंचे थे और उसके बाद वहां से वापस आए अब तमाम मेहमानों की मेजबानी करने के लिए। संजय भट्टाचार्य जी आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त साझा करने के लिए। लेकिन इस बीच में एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान। सर बहुत स्वागत है मिस्टर भाटिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें लगातार जो आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है मेहमानों के आने का सिलसिला और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी भारत आसियान संबंध अभी हाल में ही प्रधानमंत्री की यात्रा ये भी हमारे लिए एक बड़ा ईस्ट से आगे बढ़ते हुए एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को दिखाता है। मिस्टर भाटिया जी हाँ ये हमारे यही हमारा धरोहर है और ये बहुत बड़ा चीज है जिसको हमने इस बार सामने रखने में सक्षम हुए हैं और ये बहुत बड़ा आप जैसे कनेक्शन कर रहे थे कि पुरानी सभ्यता के साथ नई सभ्यता नई ऊर्जा दोनों का साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए और निश्चित तौर से ये तस्वीरें ऐतिहासिक है भारत में। विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां के वो जो दृश्य थे दो मजबूत लोकतंत्रों के एक साथ धमक करते हुए वो जो दृश्य थे वो ये बताते थे कि किस तरह से आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के हल की तरफ दोनों देश साथ चल रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को बता रहे हैं। ये बताता भारत का इतिहास भी है भारत में जिस तरह के प्रहार हुए उसकी भी बात ये बताता है नालंदा विश्वविद्यालय का ये दृश्य। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख नेता इस वक्त खड़े हुए हैं और उनके बीच में इस बात की जानकारी को साझा करना प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं भले ही आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं लेकिन हमारी सदियों पुरानी लोकतांत्रिक जड़ें भी कहीं ना कहीं समाहित रही हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में। तो निश्चित तौर से भारत आज जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है उसके DNA में है उसके एक तरीके से जड़ों में है और ये बात